रवीना को कैसे जानते हो? रवीना को अच्छा वो तगु है ना, वो हमारा साडू है। ओ, अब बात है कहीं। राम अरे साडू, राम राम। राम 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 साधु जी, राम राम। अबे सीधा अब है चेत साडू। जब आया। तक तगु राजस्थानी का तलाक नहीं हो जाता तब तक मैं साडू ही कहूंगा इसको। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मैं तो साधु जी अपन पक्के नहीं, हैं। मैं और तो फोटो देखियो माते, पहले कमेंट आउट घना रजन में कमेंट देखिया को नहीं, बस हमें ही ये कमेंट आउट नहीं जागी इनका, वो फोटो तार हागी दियो का मैं ऐड करया था। हाँ ये एक चीज तो मैंने गौर किया, ये बाड़मेर वाले सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, बाकी तो लोग जानते ही नहीं सोशल मीडिया के बारे में। अब मेरी बात हाँ सुनो बाड़मेर आप। में ज्यादा सोशल मीडिया। बाड़मेर वाले तो ट्रेडिंग में चल रहे हैं, ट्रेडिंग में। अरे एक बार हाँ बाड़मेर का बच्चा बच्चा ट्रेंडिंग में है। कल वाला वो वीडियो, कल वाला वीडियो देखा था? बड़े बड़े स्टार थे वो, स्टोरियां लगाई थी, स्कॉर्पियो दे रहे थे। स्कॉर्पियो आपने ली नहीं ली गुरुजी? नहीं वो तो नहीं दी, जय वो हिंद। एक काकी आती है, वो कहता है इन नाक डब्बा में नाक छोरी, इन डब्बा में नाक, एक वो काकी और आती हाँ है वो हमारे पड़ोसी है। हाँ हमारे गांव की है काकी, इमरती काकी इमरती वो हमारे गांव की है। काकी, मुझे लग रहा है उन बच्चियों की मम्मी है वो, डिंपल और दो सीमा हाँ शायद है ना। हाँ हाँ डिंपल और सीमा और विष्णु उनका लड़का है, उनकी मम्मी है इमरती काकी, मैं उनसे मिल के आई थी। मास्टर साहब, मेरे को अभी उन्होंने हाँ बोला था, बोला फेसबुक पे लाइव आएंगे। सीमा आई थी लाइव पे, मैं उनकी लाइव में गया 2-3 बार। तो थारी जाटम काई गोत्रे बेटा थारी, हमारी बैरड और उन लोगों की गोदारा। सीमा और उनकी गोदारा, तो हाँ आप लोग लो केवल मोबाइल पे डांस करते हो मतलब या किसी प्रोग्राम में जाकर के भी डांस करते हो मंच पे? नहीं नहीं प्रोग्राम में अभी तक गए नहीं, हम पढ़ाई करते हैं इसलिए। अच्छा। नहीं हाँ एक बाड़मेर में सांझटा करके एक गांव है, वहां की एक लड़की थी संतोष चौधरी, वो मेरी टीम में डांस करके गई थी 1 साल। अभी हम संतोष लाइव थे ना, कोबरा अभी लाइव, सर और अभी मैं मेरी मेरी संतोष। अभी फेसबुक, अभी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लाइव में थी वो। हाँ वो इंस्टाग्राम ज्यादा चलाती थी, यहाँ रहती तब भी वो इंस्टाग्राम ही चलाती थी वो। हाँ वो और विक्की भैया है ना, उनके साथ भी सॉन्ग शूट किए हुए हैं, विक्की गुरु भैया जी, कॉमेडी बनाते हैं ना। एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक तेजस जी, एक तेजस सॉन्ग प्लीज, 2 लाइन। अरे यार कमेंट तो मैंने देखे ही नहीं यार, तो बातें करने में लग गया। रुको रुको, फेसबुक पे गुरु जी कितने, फेसबुक गुरु जी कितने फॉलोअर हैं आपके? 1,10,000 के आसपास है मेरे, और यूट्यूब पे 1,70,000 के आसपास। क्या बात है अच्छा यार। बढ़िया है, क्या बात। कौन नहीं, किस नाम से है आपका कोई फेसबुक पेज? स्टूडियो है तारे, हाँ खुद कोई स्टूडियो है तार? अच्छा हाँ गुरु जी, इसमें फॉलो ऑप्शन नहीं आ रहा आपका, क्या बात है? कैसे फॉलो करेंगे हम आपको? नहीं यार, ये तो मैं भी इतना नहीं जानता हूँ। आ जाएगा शायद ये अपना कॉल कटने के बाद में आ जाएगा। ओ चलो चलो, लाइव शेयर करेंगे तब ना। हाँ लाइव बाद में आ जाएगा। आप है ना नॉर्मल मैसेज भेज देना मेरे को ना। ठीक है साहब गुरु जी। और मैं कल आ रहा हूँ आप डेगना, तो डेगना आऊंगा तो कल मिलते हैं फिर। आप एक काम करो, हाँ ये फेसबुक के जो मैसेंजर होता है इसके मैसेज इतने में देखता नहीं हूँ, और मेरे मोबाइल नंबर तो हर वीडियो में है, ये स्टूडियो जरूर नंबर है जरूर। मेरा ये। अच्छा मस्त है, यूट्यूब सिंगर हूँ भी बटन है। भी है। हाँ बटन है ना अपना, और हाँ ये वो रेडियो जिससे मैं मोबाइल ढूंढ लेता हूँ जमीन के अंदर गड़ा हुआ मोबाइल। अच्छा और इसको जानते हो तो ये, यार हाँ जानती हूँ, कौन है ये? ये श्री खेमा बाबा हमारे बाईतू के, हाँ और क्या लिखा और लिखा हुआ तो दिख ही नहीं रहा है, है? ले अब ले उल्टा है, उल्टा उल्टा आ रहा है, उल्टा उल्टा आ है रहा है। उल्टा दूसरा रहा। रुको 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 रुको, वाला बस उल्टा कर रहा है। कैमरा हाँ चालू हाँ कर रहा हूँ, करो। हाँ कर रहा हूँ। ये अपट डांसर डांसर संतोष जाट। संतोष जाट, ओके अप्पू जाट, सप्तश्रृंगी परिवार परिवार बहुत। जोधपुर। हाँ और ये क्या लिखा है? ये थोड़ा नर्ड हो रहा को। एम्स, ऑफिसर एम्स दिल्ली है, अच्छा आयोजन करता।
चले तो ये ले ये पढ़ता हूँ। हाँ वो मंदिर लुखों की डाढ़ी कमेंट से दिखाई नहीं दे रहा है। मोतियों का ताला, मोतियों का ताला और साष्ट बाड़मेर, ये उसका घर है, उसका संतोष का। हम उसके घर पे गए तो ये मेरे यहाँ पड़ा। अच्छा मेरे दादा ना बड़े साष्ट है। नहीं नहीं ये बात है, अभी संतोष तो सही मेरे साथ, उसकी तो छोटी सी बच्ची है वो तो भी। नहीं नहीं संतोष तो है 17-18 साल की। 17-18 साल नहीं, लगभग बहुत अच्छी डांस करती है ऐसे। हाँ, अभी डांस अच्छी है। आपके आपके उधर तेजा गैन में अपन डांस किया क्या उसने? हाँ लगभग एक साल तक किया है। हम लोग क्या है, मैं देखो जिस मैं तो सरकारी टीचर हूँ, तो हम जैसे किसी बच्चे को भर्ती करते ना स्कूल में, हाँ तो सबसे पहले हम उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और उसकी जाति और उसका एड्रेस, ये सब पूछते हैं। और फिर हम उसको सरकारी रिकॉर्ड के अंदर लिखते हैं। और फिर सरकार भी जब हमसे कोई डाटा मांगती है तो बाय कास्ट मतलब जाति वाइज मांगती है, जातिवार वर्गवार बना के भेजो। तो ये ऊपर से मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि जातिवाद मिटे। आज अगर जैसे इंडिया है, इंडिया में जो हिंदू धर्म है वो लगभग 70% के आसपास है। राम बोल रहे हैं सर जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव नागौर जिले में डेगाना। आप कमेंट बता दिया करो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा ना। तो भाई मेरा पूछ, मेरा मेरा कारण हिंदू पीछे रहने का कारण ये कि हिंदू को जातियों में बांट दिया, इसलिए इसलिए मैंने जब भी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे अगले से इंटरव्यू लेता हूँ, भाई साहब आपका नाम क्या, आपकी जाति क्या, आप कहाँ से आए हो मेरे स्टूडियो तक। तो नीचे लोग कमेंट करते हाँ इन जाति भूत नहीं जरूरी, वो पता चल जाएगा कि ये गुरु जी है गे। गुरु जी पता चल जाता आगे वाले को है गुरु जी के, स्कूल में पूछ पूछ के वो आदत पड़ी हुई है, गुरु जी पूछेंगे अब नाम ठाम सब। तो मैं क्या एक मेरी मैंने आपका वीडियो देखा था, वो सारंगी वाला एक बुजुर्ग आदमी थे उनके बाद में सारंगी ली हुई। ये नीचे कमेंट किया गुरुजी एक सॉन्ग सुना दो तेजा जी का प्लीज, दो लाइक। एक आप इस देर से कमेंट आ रहे हैं गुरुजी एक सुनाओ बढ़िया सा, बस दो लाइक। गांव तो ठीक है तेजू के बारे देखो, बोला, के मंजू बोला गांव तो ठीक है लेकिन तेजू ने बारे टेको। चलो ठीक है भाई, मैं हाँ, भी मेरा भी कोई पूछ रहे हैं तो मैं भी नागौर से जैल तहसील है मेरी, और इंस्टाग्राम पे कोबरा कमांडो नाम से आईडी है, यहाँ भी अभी फेसबुक शुरू किया है। गुरुजी के जितने फॉलोअर तो नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पे 70,000 फॉलोअर है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो अभी शुरुआत है। हम तो अभी आए गुरु जी, बहुत पुराना स्टार है। मैं 2009-10 के आसपास फेसबुक मैंने अकाउंट बना लिया था, 2009 के आसपास। अच्छा अकाउंट मेरे पहले ही है फेसबुक, सिर्फ बना उड़ो पेज दो मैं तेवी में बनायो मैं। नहीं नहीं भक्तों की इच्छा है वो मैं पूरी कर देता हूँ, तेजा जी का जरूर चाहते हैं। अब मैं तो देखो जाटा की टीम ज्यादा रह क्या करा। हाँ जाटा रही जाटियों आप हैं क्यों माने, तेजो गाबा ने सोमू 95% लोग जाट ही बुलाओ माने। सही बात है, संतोष चौधरी, विक्की चौधरी, निर्मा चौधरी, खुशी चौधरी, डिंपल चौधरी और अभी चल रही है मनीषा चौधरी, मंजीत खलिया भी चौधरी, सीआर पूनिया भी चौधरी, जाटों को ज्यादा से ज्यादा रखता हूँ क्योंकि जाटो मनीषा चौधरी। तो उस दिन जब आपने फोटो भेजा था ना उनके साथ, आपके साथ जा रही थी वो अपना पाली की ना फलो दीगी मनीषा, अभी नहीं है ये नहीं आ गई, एक चौधरी जाती है दूसरी आ जाती
और हम बुलाने नहीं जाते, अपने आप ही रहते। तेजा जी की कृपा से मतलब दो लेडीज डांस रखता हूँ, एक जाट की बेटी और दूसरी अदरकार की बेटी। तो पहले टीम वो अंजलि राठौड़ थी, और उससे पहले वो निकिता सेन थी, उससे पहले वो मुस्कान थी, और अभी वो है बिट्टू मेघवाल है। तो ये एक तो अदरकाश की लड़की और एक जाट की बेटी, ऐसे रखता हूँ। शुरू से कॉम्बिनेशन पता नहीं कहाँ से अपने आप बन जाता है। हाँ, होता है। देखो साहब ये बात है, बहुत अच्छा लगा सर, प्लीज बहुत अच्छा है कि एक अपना तेजू जी का बहुत अच्छा सॉन्ग सुनो, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है ठीक है, बोलो। खरनाल के धनी शुद्ध करनी जाटनी का जय, सत्यवादी गोरक्षक वीर कंवर तेजा जी महाराज की जय हो। कंठा ये वीरा जो देवी, कंठा वीरा जो ये, मैं गाथा तो गाँव रही धोलिया जाट की है ये। प्रथम शिवरु गणपत ने प्रथम शिवरु वो, मैं दूजा तो शिवरु रही देवी शारदा है ये। खरनालिये जलम्यो शूरो खरनालिये जलम्यो रे, कोई माँ को तो महीनो रही चौदस चाननी है ये। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। एक बात है सर, मैं आपके वीडियो नहीं सुना हूँ, लेकिन अब जाकर जरूर देखूंगा पूरे वीडियो आपके। केवे कंठा विराजो देवी, मारे कंठा विराजो, मैं गाथा तो गाँव ही धोलिया जाट की। प्रथम सिमरू गणपत ने मैं प्रथम सिमरू, मैं दूजा तो सिमरू रे देवी शारदा। भक्तों हिंदू धर्म में कोई भी नया और शुभ काम की शुरुआत हुए, सबाओं पहले गजानन जी ने याद किया और याद करे। लिखा पढ़ी में संबंधित कोई काम वे या गीत संगीत संबंधित कोई काम वे, जो सुरा की देवी सरस्वती ने याद करे, और सरस्वती को मंदिर कट मिले, माकन मिले स्कूल ना माइन। आगे आगे कहवे कि आज के 950 साल पहली नागौर 15 किलोमीटर दूर जोधपुर जाओ जी की रोड रे माथे गांव खरनाल रे माई तहर देव जी धोलिया के ग्राम माता राम कुमारी देवी की कोकू, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह का महीना का चांदना पखवाड़ा की 14 के दिन तेजा जी महाराज को जन्म हुए। जर की ओ खरनाली के जलमियो सूरो रे खरनाली जलमियो, कोई माह को तो महीनो रे 14। आगे देख किसान ऐसा इंद्र भगवान ने याद करे कही के रे तक जी के बर्तन धोवाओ। तक जी तो खुद बर्तन धोवे। सभी भाई बर्तन दो, बर्तन दो। जितने भाई हैं प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत ही अच्छे सॉन्ग सुनाया, प्लीज एक बार ना तेजो जी का ऊपर एक बार सभी जय तेजो जी लिख सकते हो। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। बाहर कोई आए तो हाँ देखो किसान ऐसा का इंद्र भगवान ने किए याद करे। जे तेरे ऐसा डोला गयो रे, जेठे ऐसा डोरे, कोई लग तो ला गयो रही सावन भादवा। जेठे ऐसा डोगा जो, जेठे ऐसा डोरे, वो लग तो गाजो रही सावन भादवो है। धरती को मांडन में वो रे, धरती को में वो रे, मेवा की मांडन रे अंबर भी जली है ये। इंद्र रे दरावो गाजो, इंद्र दरावो रे, कोई उतरा दा बादल में चमके भी जलिया है ये। धरावो गाजो धोलिया, धरावो गाजो रे, कोई कालोड़ा बादल में चमके भी जलिया है ये। और बाढ़ में जोधपुर में इस चीज ने किया गाओ, बताओ आपने जोधपुर में कैसे गाते हैं। हाँ, बाढ़ मेरा वो बताओ। हम गाजो रे गाजो, जेठे ये साढ़ का मरते तारे, लग तो गाजो रे सावन भादवो, कोई भाई लग तो गाजो रे सावन भादवो। हाँ ये गाते करे। और ये एक कमेंट आया था, मैं भी देख रहा था, कहाँ गया वो कमेंट। शुरू लड़े रहने के तो मैं वही आ गई वो सीमा बाई तो करके आया था यार, एक कुछ लगता गया वो ये सीमा
सीमा भाई तो ने लिखा है तेजा जी मुराद की, इस सीमा भाई तो और डिंपल भाई तो दुनिया ने, मैं हिंदी में बताता हूँ, इन दोनों को मैंने जो फेसबुक होती है वहां से जो मैसेंजर होता है इनको मैंने 6 महीने पहले मैसेज भेजा था कि आप मोबाइल में डांस करते हो या मंच पे डांस किया करते हो, आज तक इन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े कलाकार है भाई, कौन दिया जवाब माजियान का छोटा कलाकार को? नहीं ये सीमा की आईडी नहीं है, ये नीचे देख रही है सीमा की, नहीं वो नहीं, ये कोई फेक है, देखिए नहीं इसकी तो नहीं, सीमा भाई तो डिंपल भाई तो सीमा चौधरी डिंपल चौधरी नाम से जितनी भी आईडी है सबको मैंने मैसेज को कॉपी पेस्ट सबको भेजा था। आप ना गुरु जी नहीं नहीं आपको सर है ना, मैं उनसे मिलाऊंगा कल आपको लाइव में, ठीक है? मैंने उनको भेजा था और उनके जो लाइव आते ना जिस चैनल पे वो बच्चियां उस चैनल पे भेजा था, ये नहीं कि कोई फेक आईडी भेजा था, मैंने उन चैनल पे, जैसे मान ली अभी ये बच्ची लाइव आ रही है तो रवीना चौधरी नाम से चैनल है, इसको क्लिक करोगे तो इसकी प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल मैसेज मैसेज पे क्लिक करके और वैसे भेजा था मैंने, गया उन्हीं के पास ही। हाँ शायद नहीं देखा होगा, कल लाइव आएंगे ना इंस्टाग्राम पे आपसे मुलाकात कराएंगे उनकी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कल उनको मैं मिलाऊंगा, मेरी 100% गारंटी आज। तू 8वीं क्लास में पढ़ती है बच्ची? हाँ मैंने भी कोबरा सर को एक बार मिलवाया था कि डिंपल और सीमा के भाई तू के अब्बे है, तो मैं कह धन मिलाओ डर लागे भाई मैं कौन मिलो मैं डब्बा नहीं नहीं को गाते डब्बा में। आपने आपके इंस्टाग्राम क्या आईडी है भाई गुरु? मेरा सभी जगह एक ही नाम है, यूट्यूब पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर एक ही नाम है और नाम ये है, देख लो एक बार इसको अच्छे से, ये लो सभी जगह यही नाम है, मंजीत खालिया तेजा गायन, मंजीत खा लिया। क्या इसमें क्या ये क्या मिला आपको इसमें यूट्यूब पर? क्या ये 1 लाख या इससे ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ये मिलता है? 1 लाख सब्सक्राइब है आपके आपके यूट्यूब चैनल पे? मेरे यूट्यूब तो बात है बहुत, 1,70,000 है। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो मंजीत खालिया जी कल फेसबुक पे ना मैं आपको मिलाता हूँ लाइव में, ठीक है? कल आओगे लाइव हमारे फेसबुक पे? आप ऐसा करो मेरा नंबर लिखो, मेरे नंबर तो सब लोगों के पास, नंबर लिखो आप मेरे। बोलो बोलो। रुको रुको मैं कमेंट 9783860280 ये मैंने कमेंट में लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? नहीं अभी। हाँ ले लिया, कमेंट नहीं आया। मैं तो ले लिया। आ गया आप इसके 97 83 86 02 80 आठ सौ वैसे रवि ना ये बाड़मेर आते रहते हैं, फंक्शन होता है तो बाड़मेर कभी कभी आते रहते हैं, तो आप कभी बाड़मेर साइड आओ तो मेरे को भी बोलना, मैं भी आऊंगी आपसे मिलने। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आप कितने बहन भाई हो? हम 3। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी गुजरात काम करते, बोरी होगा। अच्छा और आप तीनों में से बड़ा कौन है? बड़ी मेरी सिस्टर है और मेरे भाई, तो सबसे छोटी है। गुरु जी आपने इनके रवीना के गाने सुने कभी? हाँ एक दो सुने थे। इनके गाने कम से कम ट्रेंडिंग में चल रहे, मिलियन से ऊपर गए हुए। सुने थे मैंने। तू बेटा केवल गाती है या डांस भी करती है? डांस भी करती हूँ, गाती भी हूँ, ज्यादा डांस कुछ नहीं करती। ऐसा करना वो मैंने कमेंट में डाले थे ना मेरे मोबाइल में, उनका स्क्रीनशॉट ले ले तू, और तेरे डांस का कोई वीडियो हो तो मेरे को भेजना। हाँ क्योंकि हमारे जैसे ही एक चली जाती है दूसरी आ जाती है तो हो सकता है तेरा नंबर पड़ जाए। ये बात। चलो मंजीत गुड नाइट, अभी थोड़ा सोते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि सुबह क्या बच्चों को थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं ना उसके लिए। आप सो जाओ, हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके 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 रवीना गुड नाइट, ठीक है? गुड नाइट। और मैं कुछ कह रहा था, हाँ ऐसा है कि
एक लड़की आती है और वो अपना नाम कमा लेती है और फिर बड़ी कलाकार बन जाती है और चली जाती है। हमारे टीम में कई लड़कियां आई और चली गई। अच्छा, मैं भी वैसे वो जेएमसी फिल्म आपने स्टूडियो देखा हाँ, जेएमसी वो जोधपुर वाला, भीलवाड़ा। है? भीलवाड़ा। जोधपुर का याद रह गया है वो। फिर वो मिर्दा मिर्दा है ना, जेएमसी बॉर्डर देखी वाला चापुरा मिर्दा, सल्लाने, चापुरा सल्लाने सल्लाने जानकारी मेरी नहीं है। भैरूनाथ जी है ना, उनके पास में ये स्टूडियो बना हुआ है। जगदीश गोरसिया करके है एक सिंगर करके, जेएमसी स्टूडियो। एक वो बालूराम मिर्दा करके कॉमेडी बनाता था, उसका चैनल था, पता नहीं यार नहीं नहीं जेएमसी वो करके। फिर नहीं, उनका नहीं। होगा, लिंक भेजना, देखे मैं देखूंगा। आपकी तरह वो भी इंटरव्यू लेते हैं, कहाँ से आए हो ऐसे बनाते हैं वीडियो। उनका भी चैनल है, सलाह के एक सब्सक्राइबर है। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, हाँ वो बिल्कुल याद आ मैं गया। उनके स्टूडियो में जाती हूँ, मैं 4 बार गई हुई हूँ, कितना दूर पड़ता तेरे घर से वो स्टूडियो? 5 किलोमीटर। हाँ, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कितने सालों से, कितने महीने से चला रही है तू? यूट्यूब और फेसबुक अभी चालू किए हैं, और इंस्टाग्राम पे हो गया होगा अभी ये साल। कितने फॉलोवर है तेरे इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे 1,25,000 है। 180, 180। हाँ उससे कुछ मिलता है आपको? पैसे मिलते हैं उससे नहीं इंस्टाग्राम से? नहीं 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 मिलते। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक होते हैं ना, इनके रील्स बड़े कठोर होते हैं। हाँ यूट्यूब के रील्स इतने कठोर नहीं होते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करो, यूट्यूब से आपकी अर्निंग भी होने स्टार्ट हो जाएगी। हाँ यूट्यूब पे मैं अभी डालना शुरू कर दी है, मैंने वीडियो भी डालती हूँ मैं वीडियो। 8,000 मेरे सब्सक्राइब हो गए अभी। हाँ, तो उसमें आप वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक आता है 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे होने के बाद में हाँ वॉच आप टाइम अप्लाई कर मेरे सकते फुल हो है, वो तो फुल है। उसको, आप अप्लाई कर सकते हो हाँ अप्लाई पैसों के लिए। मेरे किया हुआ है, थोड़ी उधर से बहुत अप्रूव नहीं हुआ उसमें पैसा? प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको डीएम में बताऊं। अच्छा ठीक है। तो उसमें शायद कोई गानों पे डांस करते हो तो गाने वाले उधर से क्लेम आ रखे होंगे शायद, है ना? नहीं नहीं वो नहीं है, लगा मोनिटाइज ले हो रखा है। और क्या? हाँ चलो, कोई पर्सनल बता देना। हाँ तग जी, तग शरदू जी, मैं हो गया तक जी क्यों हो। हूँ, बात तो होना है हमारी। नहीं, यहाँ छोड़ उतारे यार, कमेंट आवे के टॉपिन बर्फ है को। कई कई असामाजिक तत्व तो है, बड़े कर रहे हैं कमेंट करने, तो क्या अरे कर रहे हैं नहीं, आप? ये ऐसा नहीं है, ये मैं बताऊँ आपको, हाँ, ये बाड़मेर भी दो धड़ों में बंटा हुआ है। दो धड़ों में। हाँ, कौन आधा से लड़े? आधा धड़ा तो वो क्या है कि मेरी साली जी की तरफ है, अच्छा और आधा धड़ा है वो मेरे साडू जी की तरफ है। तो सही है, वो तो होता ही है। वो जो मेरी साली जी के पक्ष के लोग है ना, वो बोल रहे कि तक्कू को बाहर निकालो। निकलो। नहीं, अभी और तो कमेंट आया था टोपी को बाहर फेंको, तभी तो टोपी अगरी को दिए बाहर फेंको। और सुनो, और सुनो, अच्छा हम लोग है नागौर के, हम तो धक्का देर बार काटते हैं। अच्छा देखो काट बार काट, धक्का देर बार काट, काट अच्छा ऐसे निकालते हैं। हाँ हाँ, इन तार तगु तारो हिसाब ले गर्दत्री जी। हाँ हाँ, वही अबे तो अबे, कौन तार तो तारो हिसाब ले गर्दत्री भारतीय जी। कहीं फेंको बारे गए। हाँ, बार और सारी वो कहीं फेसबुक है कि आग लगा था टाइम को लगा फेंको मुला। सही सही है है, गुरुजी, साधु जी, सही है। मार तेरे घरे आऊंगे आग लगाऊंगे। यूं गड़ा आज करे तक थे 10 10 साल लिया था ने, फेसबुक चलाता था, था कौन था बॉस को स्वभाव गई। कितना लोग देख रहे हैं? 35, 35। अच्छा आपको भी 35,
अपने ये चिपक के बैठे हैं, ये तो अपने 1 घंटे से लाइव चल रहे हैं, लेकिन ये 35-38 फिक्स पड़े हैं, हिल ही नहीं रहे। थोड़ा कमेंट करके बताओ ना दोस्तों, कितने लोग आपको दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, अपन लाइव बैठे हैं, अपन को मालूम नहीं चला है। 39 दूसरे मोबाइल ले गए, इसी में ही देख रहे हो? नहीं, इसी में ही है अभी तो। पर लेट टाइम क्या हुआ है, सच सो गए? हाँ, एक घंटे का वेट कर रही थी, मैंने सोचा 1 घंटा हो जाए तो बंद कर देते, अभी मिनट 2-3 ही बाकी रहे हैं, मैं 2-3 मिनट बात कर रहे थे। तो एक बार वास्ट टाइम प्रोग्राम लागे हुए देखने लागे ना ने आओ तो बस घंटे फिर ही आओ बोके जी, वास्ट टाइम पूरा तो है। कमेंट फेसबुक है? नहीं नहीं फेसबुक मेरे किस पे ही नहीं है, सिर्फ मैं तो चलाती हूँ एक। अब टक्कर जैसी है गुरु और शिष्य की। हाँ। अरे तग जी था के साला जी या क्या साला जी? तग जी रहूंगा। बवराराम जी हारण खरी बात हाले जी की, हालो जी था आजकल मारे स्कॉर्पियो दे रिया लोगों ने गिफ्ट। अरे यार स्कॉर्पियो को नाम मत लियो यार, एक वो लॉटरी निकाली है ने, फेली कुली ने स्कॉर्पियो। नहीं नहीं स्कॉर्पियो को नाम मत लियो, माके स्कॉर्पियो दो आदि मारे लिए, एक मोटिया ने लुगाई मांग नागौर क्लब ये आएगे। हाँ अच्छा स्कॉर्पियो सुनी हुई लो ते, वो कांड नागौर में। हाँ वो चल रहा था अखबार में, मैंने देखा था कल परसों। खिया राम ने मारी तकलीफ है, मारे खिया राम जी मुलाकात करनी पड़ी। कौन है खिया राम जी? सापो लगान आयरा सापो पैरोडान। अस्मानियो घमेशियो पैरोडान घना ही बूटा लग गया। बूटा घना ही लग गया के पर कमेंट कर रहे हैं यार, कि सुबह कितना बजे पटाउन जाया करो? 7:30 स्कूल खुलती है, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा अभी तो एग्जाम चल रहे हैं ना? हाँ 5 बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ दसवीं और बारहवीं के, दसवीं और बारहवीं और आठवीं के तो आज खत्म हो गए हैं। हाँ वो सबसे पहले जब मैं टीचर लगा था तब मैं 8वीं स्कूल में लगा था, फिर बाद में 12वीं स्कूल में लगा था, फिर मैं 5वीं में लगा, फिर मैं 8वीं में, फिर मैं वापस 5वीं में, और आज भी मैं 5वीं स्कूल में। इतनी सारी स्कूल देख ली मैंने। हाँ सही है। और बाड़मेर में मैंने जो बायतू के अंदर एक जगह है, क्या वो पंचायत समिति मैदान है, पता नहीं क्या वो तहसील मैदान ऐसा करके कोई मैदान है वो। है वहाँ खिमा मंदिर के पास में है। हाँ वही वही उसमें मैंने तेजा जी गया 3-4 साल पहले। और मैंने गया था उसके 1 साल बाद वो तुलसीराम बनगवा आया था, उस टाइम वो हनुमान बेनीवाल और आपका कैलाश चौधरी थे, वो गाड़ी पे हमला हुआ था उस टाइम, वो था गायक कलाकार। हाँ वो पुराने गांव में तेजोदीक मंदिर बना था उस टाइम की बात है। हाँ उसके उसके बनगावा से 1 साल पहले मैं बायतों में गा के आ गया। अभी खेमसिद बाबा का अभी मंदिर बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन गया होगा शायद, मैं अभी तो गई नहीं। और नहीं अभी चल रहा है काम। केसरी किसान केसरी करके एक स्कूल है ना आपके बाड़मेर में? केसरी किसान नहीं। हाँ किसान केसरी है, वो प्रेमाराम भादू की है। प्रेमाराम जी बाद उनकी स्कूल में प्रोग्राम था आज के 5-6 साल पहले, वहां गा गया मैं। और हनुमान बेनीवाल की रैली थी ना आपके बाड़मेर में 4-5 साल पहले? हां थी। तब उस रैली में मंच पे जाके गा गया आड़ू जाट कल कटाई। हां वो थार गाणो गाउडो वो खाड़ू जाटा? नहीं नहीं तो नहीं नहीं वो तो गाउडो अरे संतोष, और संतोष का गांव है वो जो है सांस्ता सिंधरी साइड। मेरे दादोनी वहां पे दादोनी कई ऐसे दादोनी मंदिर के नाम ही भूल गया मैं। ओ गुरु जी दादोनी मंदिर
बाड़मेर में क्या है, जाट कम्युनिटी ज्यादा है इसलिए बाड़मेर में लोग तेजा जी को गुआते हैं, इसलिए मैंने बाड़मेर में गाया है। जैसलमेर में जाट कम्युनिटी नहीं है इसलिए मैं जैसलमेर नहीं गया। मैं गुरु जी ऐसे पूछू, आप दादोनी का मतलब समझते हो? आपकी दादी का पीहर, हाँ माँ के बोले मारवाड़ी आती है आपको? दादी, हाँ दादी का पीहर आती। माँ के बोले दादी रो, माँ के बोले दादा हाँ रे। मार बोले दादानो, मार बाबा से सास्ट दादानो। आप जिस देश के रहने वाले उसका नाम क्या है? मारे हाँ आप भारत, कौन से देश? भारत। भारत का सबसे पश्चिमी छोर कहाँ है? आंथुनू, लास्ट बॉर्डर भारत की, देश की लास्ट बॉर्डर। पश्चिमी टच बॉर्डर। हाँ खाई मन ठाई को। बाड़मेर जैसलमेर है। हाँ तो मैंने वहां गया, बाड़मेर जैसलमेर में जाके तेजा जी गया कई बार। और भारत का सबसे अच्छा उत्तरी, नॉर्थ, उत्तरी छोर कहाँ है भारत का? थान कटी है मोनेड़ा को पूछे। मैं गुरु जी जम्मू आड़ा कश्मीर। हमारे मारे जम्मू डेड़ा कश्मीर को जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर की उड़ाओ कौन रवि नगर। मैं तो जम्मू कश्मीर की उड़ा होगा, मैं तो अरे एक बार मेरे से कटी को की उड़ा। हाँ बाड़मेर को फिर गांव पूछ लो, बाड़मेर गांव कहियो, मैं बता दें थाने के थे। आप भारत भारत का नक्शा तो देखते हैं ना कि भाई जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है उत्तरी दिशा में। हाँ नक्शो का मतलब देखो, पर ते बाढ़ मेरे पूछ लो मैं बता दे। मैंने जम्मू कश्मीर में भी मैंने तेजा जी को गया है, और इधर जम्मू बाड़मेर में भी कश्मीर तेजा जी गया में, जम्मू है। हाँ कश्मीर में। अरे यस, वाह, वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, लिखना मंजीत कालिया तेजा गायन जम्मू कश्मीर, आ जाएगा। अच्छा तो मैंने जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चार छोर होते हैं, चार लास्ट पॉइंट होते हैं प्रत्येक चीज के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक वस्तु के। तो मैंने उत्तरी अच्छा छोर और पश्चिमी छोर बाड़मेर और जम्मू कश्मीर तक जाके तेजा जी गया है। तो मैंने घाट घाट का पानी पिया है, कई प्रकार की बोली सुनी है, तो मैं समझ जाता हूँ अगले की बोली। अच्छा सही है। तो मारी इसलिए थोड़ा क्या हूँ फेसबुक मत कराए दियो, फॉलोवर यूट्यूब मत नहीं कुन मारे तो कहीं। भेज देना लिंक, भेज देना। हाँ मैं आपको लिंक भेजूंगी। ऐसे बड़ा चैनल नहीं है, वीडियो ही नहीं है कुछ, ऐसे ही घर का वीडियो डालते हैं। ज्यादा सॉन्ग वॉन्ग गाने के लिए नहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है। तेरे पिताजी महीने कितने रुपए कमाते हैं? वो तो मेरे को मालूम ही नहीं है। अरे अभी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कितने कमाते हैं? जा 10,000। बेटा मैं दिल से तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा, गरीब माँ बाप की बच्ची है, हाँ सही। ठीक है? सपोर्ट करूंगा। बता तेरा नहीं मकान कैसा है, पक्का है या कच्चा बना हुआ है? नहीं पक्का पक्का है, या आज भी झूपे में रहती है तो छान छपरा झूपा? वो तो है ही। हमारे बाड़मेर में झूपे के सिवा नहीं है, झूपे के सिवा तो घर अधूरा ही रहता है तुम्हारा आज भी झूपा है? है। हाँ झूपा है, अभी तो नहीं है, हमने बाहर रखवा दिया यहाँ पे रसोई बनाने के लिए। पहले था उसमें, हम रसोई खाना वगैरह बनाते ये मकान बनाए हुए कितने साल हो गए? थे। मकान अभी बनाया है, 1 साल, 1 साल ही को नहीं है, छह उससे पहले आप लोग सात छान छपरे झोपड़े में महीने रहते हुए। थे? हाँ मैं उससे पारिवारिक स्थिति पहले जानने की कोशिश मैं तेरी पारिवारिक स्थिति जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम आप लोग गरीब हो, पेशेवर हो, या बीच के हो, या बिल्कुल गरीब हो, इसलिए हाँ पूछा था। हाँ भेजना तेरी लिंक, भेजना, मैं सपोर्ट करूंगा तेरे। देखो गुरु जी मेरी बात सुनो, कि है ना रवि ना, हकीकत में मतलब इनको थोड़ा नॉलेज भी कम है और ठीक है नॉर्मल कैटेगरी, लेकिन इनका सिंगर जो गाने है ना वो इनका अभी छोटी है जो एज देख के बहुत टॉप गाने गा रही है, और इनको अपन सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत आगे जा सकती है। लेकिन जिंदगी में एक ध्यान रखना बेटा, हाँ कभी घमंड मत करना पैसों का या अपने पद बड़ा हो जाने का, लाखों फॉलोअर्स हो जाने का। आज जिस हाँ स्थिति में है ना उसी स्थिति में रहना, हाँ सही है। वो तो घमंड को ये तो किसी को नहीं करना सही।
ये ध्यान रखना जिंदगी में, बस घमंड मत करना। नहीं हम नहीं करते घमंड, यो हमारी लाख वो फॉलोअर है, मैं तो यो 10 फॉलोअर हो यूं तो भी बड़ी जुड़ चुके लाई वाओ के। बस घमंड मत करना कभी, आप आगे से आगे बढ़ोगे। बका जी लालस बुरी बला है, मारे बाड़मेर में कहवे लालस बुरी बला है। अरे तक जी, हाँ जी तक जी तो रह रहे हैं, जगोन ना पड़े नींद आवे। अरे जगोन ना कौन है आज तक, आज ये टाइम हो गया 12 बज गया था, बात कर रहे थे आज रोटी सब्जी बनाया कौन है, हम बनाओ मैं जोड़े फलका मैं गैस माते हमें जीम लही तक ना वा। माता में तांग बालाम की प्रॉब्लम है कि टोपी क्यों रखो? हाँ थोड़ी क्योंकि धूप लगे नहीं ना, बाहर ज्यादा धूप में घूमना पड़े, बाल उड़ गए तांगे तुम माता को तुम सामने धोला बाल आए रहो ना टोपी रखो तो कोई ओल के नहीं के धोला बाल आवड़ा देखे नहीं तो तक नहीं नहीं यार टोपी और पैसे वाले टोपी और पैसे वाले कोई लुगाईयों की कोई गांव में देख ले के अरे ओ तो टोपी वाले तगू के ये कौन है दी पैसे वाले टोपी बिना पैसा वाले को नहीं बात है टोपी के बाहर निकलो नहीं बाजार जाओ नहीं टोपी बहुत कम पैरों पैरों को तक जी एक लुगाई और लिया वो टेम्पर रिटर्न देबो कर था ना मैं साथ के कर रहा कई दिन अड्डी कपा चे आए तो कटक मुड़ी नहीं आए तो दानी है इया हां थोड़ा अड्डी लंबा में ना पड़े इया पचे पचे हम करो गए पचे हाडू मन ब्याह मुड़ी कर हाडू जी थारो कर नागौर वाली लावे कोई नागौर आम जुगाड़ करो हाडू जी बस थे मन ब्याह बुलाओ हां थाने बुलाओ गंगो बुलाओ लो एक बायराम कमेंट किया कि तकदी थैली पी ली गई बढ़िया करे ओ एक ही है भाई सुनो आप लाइव चालू किया ने पे तो ले रहती तक लाइव चल क्यों नहीं है भी माने भाई तो ये और लाइव में दो दो मिनट कमेंट करे और एक ही भाई है ये मुझे लगता है आपके वो उसके मेरे साली जी का कोई रिश्तेदार है ये हो सकता है साली जी की आईडी है फेक आईडी बनाई हुई है तो भी क्या पता हाँ ये भी हो सकता है हैं ये भी हो सकता है कितने बेचारे लोग कर रहे हैं क्या मैं तो साली जी तो फ्री रहे को नहीं बिजी रहे स्कूल जाएं पढ़ावें घरावें वीडियो बनावें और कोई होगा उस बेटा याद नहीं होगा कोई बाकी रवि ने मेरे को बताया ये आदमी है ना अपन लाइव चालू किए उस टाइम से लेके अभी तक इसने 100-150 कमेंट कर दिए बेटा रवि ने तेरे को तेजा जी गाना आता कोई एक तो एक लाइन दो लाइन मैंने वैसे तो सुने बहुत है अभी तक मैं लाइव में सुनाया ही नहीं आवे याद ही को रहे मैंने तो चल वो सुना दे कंटी पर मोर बोले देखो सुना दे तेजे जी गाने के नाम बता दो पहले हूं गाए दे बसे मैं बस मन याद गणे आए कंटी पर मोर बोले वो सुना दे बाड़ मेरे को प्रसिद्ध गानो है कंटी पर मोर बोले पणिया बनड़ी नहीं बोले बोले तो नतड़ी गड़ाई दू पर बनड़ी नहीं बोले नतड़ी र नगीना डोले बनो साया बनड़ी नहीं बोले बोले तो नतड़ी गड़ाई दू बनो साया बनड़ी नहीं बोले मैं तो अभी तक गण मतलब सुनियो सुनियो ये मैं तो प्रैक्टिस ही को करी नहीं अब मार्क ने सुन हाँ कंटी पर मोर बोले पर यहाँ बनड़ी नहीं बोले बोले तो नतड़ी गड़ा जो पर यहाँ बनड़ी नहीं बोले वाह वाह मस्त आज वही टक्कर सिंगर सिंगर ही बिली हाँ और एक बाड़मेर का प्रसिद्ध गाना है मूमल वो आता है तेरे को मूमल नहीं चंदियो आता है चंदियो लाड लगायो निरे थकी नहीं लाड लगायो आज खोलिया ताई
भेगो आई मारा मावड़ी राजा या मोमल दुखड़े पाए मोमल दुखड़े पाए सुना मोमल और वो चंदी वाला अरे चंदी और चंदी यो कर तारे मरो चंदी और चंदी यो कर तारे मरो जीवड़ लो दुख पावे रे मरो जीवड़ लो दुख पावे रे हरे मारा चंदुड़ा धोको रे दीनू रे हथनिया धोको दीनू रे वेरी नाइस गुरु जी બોયની આવતી રે જાવતી દીખો બાડણો મારી યુ કિંગ ગૌડો એ બિજલ ખાનજી ગૌડો અરે આવતી રે જાવતી દેખ્યો બાડણો દેખ્યો ઘુંઘટીએ માઈ આવતી રે જાવતી દેખ્યો બાડણો દેખ્યો ઘુંઘટીએ માઈ પાંચી ફિરને મોડ મોડ દેખે બાડણે કે માઈ કોઈ ઘુંઘટિયા કે માઈ बैगो ओ भाई बैगो आई मारा मौड़ी जाए मुंह मल देर लगई हुई है। हां ये तेरे दादी है या मम्मी है पास में कौन है तेरे पास में तन के डा बड़े अरे हमारे को क्या ट्रेनिंग देती है सरकार जो मम्मी हां के दो बच्चे झगड़ा करके आ गए रवीना तो बोल रही है मेरे वो सीमा ने ठोकी सीमा बोल दी रवीना ने ठोकी रवीना बोलती है कि सीमा ने पहले ठोकी सीमा बोलती है रवीना ने पहले ठोकी रवीना बोलती है सीमा ने मेरे को गाली बकी माँ की रवीना बोलती है मेरे को गाली बकी सीमा बोलती है मेरे को तो उनमें से आपको असली चोर कौन है दोनों में से उनको ढूंढना है कि ये गड़बड़ कौन किसने की है सबसे पहले इसमें ज्यादा गलती किसकी है इसका रिसर्च करने की हमने ट्रेनिंग दी है उसको बोलते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी तो उससे हम तो अंदाजा लगा लेते गलती की हैं केठा बड़े भाई गलती करने की वो जब तू बड़ी होगी ना तो अगर तू बीएड या बीएसटीसी करना तेरे को भी ये मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे तेरे गुरु मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कथा पढ़ेंगे तब ये नॉलेज आएगा ये जो पुलिस वाले होते हैं ना ये पुलिस वाले होते हैं ना ये आदमी को बिना ठोके उसकी शक्ल देख के बता देते हैं ये चोर है या नहीं इनको अलग से वो तो बिना कुछ किए बिना ठोके बिना ऊपर किए शकल दे के बताते हैं ये आदमी चोर है या नहीं है हां वो तो शकल से पता चल जाता है हां वो बता देते हैं तो बढ़िया